कहता है कि मेरे पास पैसे आए तो मैं कुछ करूं, और पैसा है कि कहता है, अरे इंसान तू कुछ कर तो सही, तभी तो मैं तेरे पास आऊं। नमस्कार, मैं हूं अवधेश श्रीवास्तव और आज की चर्चा पैसे पर। जी हां, यह भी उतना ही बड़ा सत्य है जैसे कि सूरज पूरब से निकलता है, बच्चा मां की कोख से ही जन्म लेता है। वैसे ही पैसे को सही ढंग से अगर समझा ना जाए, संभाला ना जाए, तो वो बहुत सारे दुख देता है। तो बस इसी पैसे को समझने और इसे संभालने की कला के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, यानी कि हम बात करेंगे रॉबर्ट टी कियोसाकी के लिखे बुक रिच डैड पुअर डैड की। इस किताब के इंट्रोडक्शन में मैं कुछ और बात कहूं, उससे पहले मुझे डॉक्टर एड कोकेन की एक बात याद आती है। लिखते हैं कि रिच डैड पुअर डैड अमीरी का शॉर्टकट नहीं बताती, ये सिखाती है कि आप पैसे की समझ कैसे विकसित करें, किस तरह से अपने पैसे की जिम्मेदारी निभाएं और उसके बाद किस तरह से अमीर बने। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी बात जिम्मेदारी की आती है तो नाम याद आता है उस शख्स का जिसने जिंदगी में कितनी भी ठोकरें खाई हों, कितना भी दुखी रहा हो, पर हमारे हिस्से के गम लिए और अपने हिस्से की खुशी हमें दे दी। पिता, जेब खाली हो फिर भी मैंने उन्हें मना करते नहीं देखा, जेब खाली हो फिर भी मैंने उन्हें मना करते नहीं देखा। अरे मैंने अपने पिता से ज्यादा अमीर इस दुनिया में कोई इंसान नहीं देखा। रॉबर्ट टी कियोसाकी ने उसी पिता को ध्यान में रखते हुए उन्हें मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी बनाते हुए हमें लाइफ के, आज की जिंदगी के, आज की लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट लेसन को पढ़ाने की कोशिश की है, विच इज पैसा। जी हाँ, हम बचपन से लेकर जवानी तक सिर्फ मार्क्स के पीछे भागते रहते हैं। हमारा जो एजुकेशन का पैटर्न है, पढ़ाई का तरीका है, हम बचपन से सिर्फ यही सुनते आए हैं कि पढ़ो 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 और पढ़ो, और एक लेवल तक पहुंचने के बाद, एक एज तक पहुंचने के बाद डिसाइड करो कि अब क्या करना है। रॉबर्ट टी कियोसाकी इसी बात को बहुत ही खूबसूरती से एड्रेस करते हैं कि हमें पैसे को एक सब्जेक्ट की तरह बचपन से ही क्लासेस में पढ़ाना चाहिए। अगर आज पढ़ाई का मतलब, जिंदगी में सफल होने का मतलब ज्यादा पैसे कमाने से है, तो क्यों ना उस पैसे को सही ढंग से मैनेज करने का गुण हमें बचपन से मिले। स्कूल्स 6 घंटे के 8 घंटे के होते हैं, पर बाकी जो वक्त है वो घर पे बीतता है। तो कहीं ना कहीं स्कूल हो या घर हो, बच्चे को बचपन से ही पैसे की अहमियत, उसकी इंपॉर्टेंस, उसकी मैनेजमेंट के बारे में अगर पढ़ाया जाए तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। मुझे लगता है कि ये बात कहीं ना कहीं मिसिंग थी। शायद कई सालों से ये जद्दोजहद है कि इसे शुरू किया जाए, इसे समझाया जाए, बहुत सारी फिल्में बनी हैं इस पर, लेकिन आज भी हम मार्क्स मार्क्स और मार्क्स के पीछे ही भागते हैं। अगर हमें पैसे को सही ढंग से मैनेज करने की कला आ जाए, अगर हमारी समझ डेवलप हो जाए, तो मुझे लगता है कि जो आजकल के बच्चे हैं वो बड़े जब होंगे तो वो खुश रहेंगे। इंसान को कंप्लीट करने के लिए उसका परिवार, उसके अपने, उसके दोस्त, उसका रहन सहन सब बहुत जरूरी होता है। ये तो नहीं कह सकते कि पैसा ही सब कुछ है, पर हाँ, सब कुछ पाने के लिए पैसा जरूरी है। तो आशा करता हूँ आज का जो वीडियो है आप सभी को काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करेगा, अपने और भी फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करेगा। इसी तरीके के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।